आइए सर, वेलकम। आपको मेरी हवेली का सैर करवाते घुमाते अंदर की तरफ बहुत अच्छा। मेरा हवेली का नाम स्नेह राम रटिया हवेली है। ये 180 साल पुराना है। 400 टूरिस्ट मेरी हवेली देखने आते हैं। We are somewhere on state highway connecting to Mandawa from Nawalgarh. So we started from Nawalgarh and stopped on the wayside for lunch. Now we are here at Khatti Hotel and Restaurant. We sat on a khatiya and we ate. हवेली आपकी है? पूर्वजों के जी। मेरा हवेली का नाम स्नेह राम रटिया हवेली है। ये 180 साल पुराना है। इसमें सब ओरिजिनल पेंटिंग है, कहीं भी रीपेंट नहीं किया गया है। इसमें राजा महाराजों के पिक्चर है, पशु पक्षियों के है और अपने एनिमल्स के हैं। कामासूत्रा पेंटिंग है। एक यहाँ मेरा बहुत बड़ा गेस्ट रूम है, उसमें सब जिस टाइम राजा मार जाते उसके सब पेंटिंग हैं। और मेरी हवेली मंडा में सबसे अच्छी हवेली गिनती आती है। यहाँ टोटल मूवीज जैसे पीके है, बजरंगी बाजान है, लव आजकल है, मनोरमा है, कच्चे रागे, सब शूटिंग मेरी हवेली के अंदर हुई है। इसको सने राम जी ने बनाया था, सने राम जी लड्डिया। वो सात ऊपर गए, सात पीढ़ी। अच्छा, सात पीढ़ी ऊपर तो उन्हीं का बनाया हुआ। उन्हीं का बनाया हुआ। हम यहाँ तो मेरी हवेली में मंडा में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। एवरी डे सीजन में 400 टूरिस्ट मेरी हवेली देखने आते हैं। मैं कोई चार्ज वार्ज नहीं लेते हम, ओनली फॉर देखने के लिए खुला है। यहाँ बाहर मेरा छोटा सा दुकान है,
उसमें किसी को पसंद हो तो कोई चीज खरीद सकते हैं, कोई वो भी कोई दबाव नहीं है। स्नेह राम जी क्या करते थे, मतलब उनका? स्नेह राम जी सर ये यहाँ सिल्क का काम होता था उनके। अच्छा। ये सिल्क रूट था। अच्छा। तो यहाँ क्या है कि बिजनेस में होके यहाँ दो क्या दलाली करते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रोकरी, ब्रोकर थे। तो यहाँ चाइना से सिल्क आता था और गल्फ कंट्री से यहाँ वो ओपियम आता था। तो ये ओपियम तो बेचते थे चाइना, सिल्क बेचते थे गल्फ कंट्री, इनका वो ब्रोकर का काम था ज्यादातर बिजनेस का। तो उस टाइम तो हवेली ये क्या रुकने के लिए बनती थी बार गेस्ट रूम में, या जो भी व्यापारी आते थे वो रुकते थे, उसके लिए एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम के लिए जगह बनाई गई थी, उसको हम बैठक बोलते हैं। बैठक के चारों में ऊपर भी कमरे हैं, उसमें लेडीजें देखती थी। उस टाइम लेडीज के पर्दा था, वो सामने नहीं आती थी। जो भी काम होता था वो हवेली से ही होता था? हवेली से ही होता था। अच्छा। हवेली से। तो अभी इसका मेंटेनेंस कैसे, क्या कर रहे हैं आप? मेंटेनेंस जितना होता है थोड़ा बहुत हम ही करते हैं, सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं है। तो ये सब तो हेरिटेज प्रॉपर्टीज है? हाँ, हेरिटेज प्रॉपर्टी है, सरकार मेरी हवेली को हेरिटेज पॉइंट भी मान रखा है, परंतु अभी सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं है हवेली। आपने कोई पिटीशन या कोई एप्लीकेशन दिया था कभी? हाँ, अब सब लोग देखने के लिए आते हैं कई बार, पर वो बस देख चले जाते हैं। यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ आप रहते हैं? नहीं, ये सर हमारी फैमिली है, फैमिली बहुत बड़ा हवेली है, ये फैमिली छोटे हाउस में रहती है, ये तो सिर्फ टूरिस्टों के लिए देखने आते हैं। गेस्ट आते हैं देखने के लिए खूब, ना में देसी विदेशी खूब आते हैं। वर्तमान में कोरोना की वजह से विदेशी तो बंद हो गए, देसी अभी भी आ रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना चाहता हूँ कभी मौका मिले तो आओ, पधारो, आपका स्वागत है हमारी हवेली में। क्या बात है, क्या बात है।